नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नवरात्रि में घोड़े पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा, हाथी पर होगी विदाई और जाने कैसा रहेगा इसका प्रभाव। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। शारदीय नवरात्र इस बार 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, ऐसे में जाने इस बार माँ अपने कौन से वाहन से आ रही हैं और क्या होता है इसका प्रतीक। इस बार नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, हालांकि हर साल ये पितृपक्ष के समाप्त होने के अगले दिन से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार मलमास ने पितृपक्ष और नवरात्रि के बीच करीब एक महीने का अंतर कर दिया है। हालांकि इस साल कोरोना की वजह से ये इतने धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा। सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का कितना खासा महत्व है। 9 दिनों तक माँ के अलग अलग रूपों की पूजा बेहद धूमधाम और प्यार से की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही माँ की पूजा शुरू हो जाती है और हर पांडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस बार आखिर कौन सी सवारी पर सवार होकर माँ पृथ्वी पर आ रही हैं और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। माँ दुर्गा के कौन कौन से वाहन हैं ये जानते हैं। दरअसल ज्योतिष शास्त्र और देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन आने वाले भविष्य की घटनाओं के बारे में हमें संकेत देता है और चेताता है। देवी भागवत पुराण में इस बात का जिक्र है कि देवी के आगमन का अलग अलग वाहन है। माना जाता है कि अगर नवरात्रि की शुरुआत सोमवार या रविवार को हो रही है तो इसका मतलब है कि वो हाथी पर आएंगी। वहीं अगर शनिवार या फिर मंगलवार को हो रही है तो माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र आरंभ होते हैं तो माता डोली पर आती है और वहीं बुधवार के दिन माँ को नाव की सवारी बनाती है। इस बार घोड़े पर आएंगी माँ दुर्गा। इस वर्ष कलश स्थापना, दुर्गा पूजा और नवरात्रि की शुरुआत 17 अक्टूबर यानी कि शनिवार से हो रही है। ऐसे में माँ दुर्गा घोड़े को अपना वाहन बनाकर धरती पर आएंगी। इसके अच्छे संकेत नहीं है। घोड़ा युद्ध का प्रतीक माना जाता है। घोड़े पर माता का आगमन शासन और सत्ता के लिए अशुभ माना गया है। माना जाता है कि घोड़े पर आने से पड़ोसी देशों से युद्ध, सत्ता में उथल पुथल और साथ ही रोग और शोक फैलता है। माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर अपने भक्तों के घर आ रही हैं, जो भक्ति की कठिन परीक्षा लेने वाली हैं। बता दें कि इस बार माँ भैंसे पर विदा हो रही हैं और इसे भी शुभ नहीं माना जाता है। हाथी से करेंगी देवलोक से प्रस्थान। देवी दुर्गा का आगमन घोड़े पर होगा, लेकिन प्रस्थान देवी हाथी से करेंगी और ये शुभ संकेत है। हाथी की सवारी सुख, शांति और ऐश्वर्य का संकेत माना गया है और जब देवी इससे सवारी कर देवलोक जाएंगी तो धरती पर यह सारा आशीर्वाद देकर जाएंगी। माता की विदाई हाथी पर होने से आने वाले साल में खूब वर्षा होती है, इसलिए शारदीय नवरात्र में भक्तों को देवी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए विधिवत पूजन करना चाहिए। इस बार घोड़े पर सवारी का संकेत है गंभीर। माँ को करें खुश। माँ इस बार घोड़े पर आ रही हैं और इससे अच्छे संकेत नहीं हैं। देवी का घोड़ा पड़ोसी से युद्ध, गृह युद्ध, आंधी तूफान जैसे प्राकृतिक आपदा और सत्ता में उथल पुथल के संकेत देता है। इस दौरान देश ही नहीं पड़ोसी देशों में भी ऐसी ही स्थितियां होने लगती है, इसलिए देवी की पूजा करते समय हर साधक को अपने घर परिवार के साथ ही देश, समाज और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करने की भी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। ऐसे में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए नवरात्रि के दौरान पूरे मन से देवी की आराधना करें, व्रत करें ताकि माँ आपके सारे दुखों को कम कर दे। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।